स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे रास्पबेरी पाई के बारे में, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि रास्पबेरी पाई कोई नई चीज़ नहीं है, अपडेट होता रहा है लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये फरवरी 2013 में मार्केट में उतारा गया था $25 के स्टार्टिंग प्राइस से, और ये यूके के कुछ लोगों का आइडिया था। और इसका होल मतलब टोटल इसमें आप किया क्या जा रहा है वो ये है कि कंप्यूटर में जैसे आप देखते हैं ना CPU, जो एक बड़ा डब्बा होता है, डिस्प्ले नहीं, मतलब जो आपका कीबोर्ड माउस वो सब नहीं, सिर्फ कंप्यूटर, उसको एक बोर्ड में डाल देंगे। तो ये बोर्ड का साइज़ जो है वो आप समझिए क्रेडिट कार्ड के साइज़ का, मतलब अगर आप ये PCB का साइज़ जानना चाहते हैं कितना बड़ा है, आप अपने पॉकेट में जो क्रेडिट कार्ड रखें या ATM कार्ड रखें उसका साइज़ देख लीजिए, ये एग्जैक्ट उस साइज़ का। हाँ, थोड़ा ऊंचाई में थोड़ा ज़्यादा ही ऊंचा है, लेकिन मतलब इसका PCB क्रेडिट कार्ड के साइज़ में बनाया गया है, और उससे छोटे ही आते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड से बड़ा कुछ भी नहीं आता, क्रेडिट कार्ड से छोटा आता है। और अगर इसको आप समझना चाहते हैं क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, तो कंप्यूट स्टिक आते हैं उस तरह का, जो आप मेरा वीडियो यहाँ देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको कंप्यूटर चाहिए तो मैं कहूँगा कंप्यूट स्टिक पे ध्यान दीजिए, ये उसके लिए नहीं बनाया गया है। ये एक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है लेकिन बहुत पावरफुल नहीं है, मतलब इससे लेके आप तो ये मत समझिए कि हाँ ले लिए इस पर एकदम बढ़िया से गेम खेल रहे हैं, नहीं हो पाएगा, वैसा कुछ नहीं हो पाएगा। ये एक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर जो कि सस्ता है और छोटा है, मतलब $25 का जब स्टार्ट हुआ था, और साइज़ के मामले में क्रेडिट कार्ड का साइज़ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसे, आप इसको तो मॉनिटर के पीछे लगा दीजिए आपको दिखेगा भी नहीं। तो ये था रास्पबेरी पाई का आइडिया 2013 में, और रास्पबेरी पाई धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गई। तो ये तिगड़म है क्या, उसमें उतना सारा पिन क्यों निकला हुआ? तो पहले ये समझिए कि आप और मैं ज़िंदगी में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक में एक चीज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। आपके तो इन्वर्टर, UPS, वॉशिंग मशीन, बिजली का मीटर, मतलब रिमोट कंट्रोल और इस तरह की चीज़ में हज़ार जगह पे आपको मिल जाएगा जिसमें माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर होता है, लेकिन उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये सब आपके लिए नहीं बनाया गया, मतलब ये जनरल पर्पस नहीं है। कंपनी बनवाती है किसी से, बनवा के उससे प्रोडक्ट बना के आपको दे दी है, आप लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। लेकिन आप मान लीजिए प्रोग्रामर हैं या आप खुद के लिए कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो कुछ सालों पहले मतलब रास्पबेरी पाई से भी पहले आर्डिनो आया मार्केट में, और आर्डिनो का आइडिया ये था कि हम आपको माइक्रो कंट्रोलर देंगे जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं, और मतलब ऐसा नहीं कि सुपर कंप्यूटर है, एक माइक्रो कंट्रोलर जस्ट वही है, उसमें आप इनपुट का क्या, इनपुट कहाँ से लेना है, इनपुट लेने के बाद उसमें क्या करना है, उसके बाद उससे आप डेटा स्टोर करते हैं, जैसे मान लीजिए वोल्टेज ले रहा है तो क्या वो वोल्टेज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या उस वोल्टेज के रिकॉर्ड करने आपको LED लाइट चालू बंद करना है, मतलब एक माइक्रो कंट्रोलर जो काम कर सकता है वो काम करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर ये देंगे, लेकिन आप उस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम कर सकते हैं। यही था आइडिया आर्डिनो का, ये बहुत सक्सेसफुल रहा, और इसमें ये लोग पिन देते थे क्योंकि आप बात बात पे PCB नहीं प्रिंट करवाइएगा ना किसी से, बात बात पे आप बैठ के एक एक चीज़ सॉर्टर नहीं कीजिएगा ना कि ठीक है मेरे को मान लीजिए ह्यूमिडिटी सेंसर चाहिए तो ह्यूमिडिटी सेंसर को वेल्ड किया, ठीक है बाद में आपका काम हो गया, लेकिन बोल रहे हैं अरे हम इससे सोचते हैं ये वोल्टेज रिले लगा देते हैं, आपको फिर वो डिसऑर्डर करना पड़ेगा। तो पिन का आइडिया से ये हुआ था कि बहुत सारे शील्ड आने लगे, शील्ड कुछ मतलब नहीं, शील्ड मतलब बस ऐसे फिट हो जाता है, उसको बस शील्ड कहते हैं एंड आर्डिनो की दुनिया में, जैसे आप ये देख सकते हैं ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक लगाया जा सकता है। तो बहुत सारे शील्ड में मतलब अलग अलग खासियत आना है, जैसे ये शील्ड है जो ऊपर है इसमें SD कार्ड लगता है, तो आप मान लीजिए जैसे आप आर्डिनो का इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो डेटा लिखेगा कहाँ, तो वो उसके लिए आप वो इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे इससे तो आप लोग CNC मशीन, 3D प्रिंटर तक बना लेते हैं। तो आइडिया यही था कि माइक्रो कंट्रोल पब्लिक को दे दिया जाए, और लोग इससे बहुत चीज़ करते हैं, ये सीखने के लिए बहुत अच्छा है, मतलब मान लीजिए आपको किसी को प्रोग्रामिंग सिखाना है, खास करके हार्डवेयर लेवल पे कि एक्चुअली हार्डवेयर से कोई चीज़ होता कैसे है, तो ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा कीमत ये है क्योंकि ये सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर दे रहा है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, मतलब जैसे आपने इसको बना दिया, सामान आपने किसी को बेच दिया मान ले, कुछ भी सामान है, और उसमें आपने हिसाब बनाया कि ठीक है वो काम कर रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ दिन बाद वो बोलता है यार सब चीज़ तो बढ़िया है लेकिन मेरे को सेटिंग चेंज करनी है, मतलब मेरे को जैसे मान लीजिए रेड LED जल रहा था, मतलब RGB LED थी, रेड जल रहा है, बोल रहे यार रेड में फील नहीं आ रहा, मतलब दिखता नहीं है, हमको ब्लू LED कर दो। तो RGB LED है आपके पास पहले से, तो आप ब्लू का सिग्नल कैसे भेजिएगा, तो आपको वापस इसमें यहाँ पे USB पोर्ट है लगा के कोड को रीसेट करना पड़ेगा, तो इसके साथ आप इसको बिना कंप्यूटर के नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसीलिए आप अपना रिमोट को, TV का रिमोट को या कोई भी चीज़ माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में राइट करने के लिए इन्फॉर्मेशन आपको स्पेशल प्रोटोकॉल चाहिए होता है। तो यही था आर्डिनो का मतलब खासियत कि वो एक माइक्रो कंट्रोल दे रहा है जिसमें आप USB से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
लेकिन यही एक प्रॉब्लम भी है कि उसके लिए आपको मतलब आप माइक्रो कंट्रोलर लेके बना लिए, लेकिन आप कुछ ऐसा रखें जिसको आप कंज्यूमर को, मान लीजिए आप बेचना चाह रहे हैं लेकिन कंज्यूमर खुद छेड़छाड़ कर सके, तो आर्डिनो तो नहीं करने देगा। तो आर्डिनो और कंप्यूटर को मिला के रास्पबेरी पाई बनाया गया है। तो आर्डिनो इतने सारे शील्ड्स, मतलब कई लाख शील्ड्स आते हैं आर्डिनो के लिए, एक से एक काम करने के लिए। मतलब ऐसे ऐसे शील्ड हैं जिसमें आप बस ऐसे लगाइए सीएनसी प्रिंटर के लिए, मतलब सीएनसी मशीन के लिए आपका पूरा मोटर कंट्रोलर लगा हुआ है। कुछ कुछ शील्ड आते हैं जिसमें लीजिए लेज़र कटर के लिए चीज़ बना हुआ है, मतलब आपको सोचना नहीं है, ऐसे से ऐसे शील्ड आते हैं। तो लेकिन सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन हर के लिए आपको एंड में एक कंप्यूटर चाहिए। तो रास्पबेरी पाई ये है कि इसी तरह पिन दे दिया है, जो आपको उसमें 40 पिन दिया हुआ है, पिन तो दे दिया और उसके बाद एक कंप्यूटर भी उसी बोर्ड में है। तो आपको तिगड़म नहीं करना है कि मतलब ठीक है हम बना लिए लेकिन बार बार बैठ के उसमें मेमोरी फ्लैश करो, उसमें बार बार इरेज करो, फिर दोबारा नया कोड डालो, कोड चेक करो, कोड काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आप रास्पबेरी पाई में उसी से चेक कर सकते हैं। तो बस यही था। और इसकी कम्युनिटी है जो मतलब जैसे आर्डिनो जब मार्केट में आया था तो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और अभी तक चल रहा है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया और चलता रहेगा कई साल तक। तो आर्डिनो से लोग कई सारे ये बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक लॉक, जैसे कि गोदरेज के लॉक जो आते हैं आजकल जिसमें कि बटन डालना, इसी टाइप का माइक्रो कंट्रोलर ही रहता है। तो अगर आप वो बनाना सीखना चाहते हैं आर्डिनो आपके लिए काफ़ी अच्छा औजार है। लेकिन अब फिर वही झंझट हो रहा है कि आप बार बार कुछ डिज़ाइन चेंज करना चाहते, बार बार आपको USB से लगाना पड़ेगा, तो कंप्यूटर आपको लेके घूमना पड़ेगा, लैपटॉप लेके घूमना पड़ेगा। इस कारण से रास्पबेरी पाई का जन्म हुआ कि और इससे इसमें सब चीज़ तो अच्छा था, लेकिन चूंकि कंप्यूटर ना होने के चलते आपको एक एक्स्ट्रा झंझट लेना पड़ा। ये सस्ता बहुत होता है, ये करीब आपको 1000 रुपये के अंदर ही मिल जाएगा और अलग अलग साइज़ के आते हैं, अलग अलग काम के आते हैं। तो बहुत बड़ा इसका डेवलपर कम्युनिटी जो रास्पबेरी पाई में कूद गया और उसके बाद रास्पबेरी पाई का कम्युनिटी और बड़ा हो गया। अब कम्युनिटी का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। ये एक रेवोल्यूशन बन गया, मतलब रास्पबेरी पाई आया, काफ़ी हो हल्ला करने के बाद आया और धीरे धीरे आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। ये मतलब समझिए एप्पल जैसा हो गया है, मतलब जो डेवलपर कम्युनिटी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिटी है, जो हॉबीस्ट कम्युनिटी है, वो एकदम रास्पबेरी पाई को लेके दौड़ गए। कुछ लोग तो रास्पबेरी पाई लेके प्रोडक्ट बनाने लगे जो मार्केट में बेचा जा रहा है। जैसे आप ये मीडिया प्लेयर, स्लाइस मीडिया प्लेयर खरीद सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट होम असिस्टेंट खरीद सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट आगे मार्केट में जो रास्पबेरी पाई इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे ये मेरा टीवी खुद ही देख लीजिए, इसमें एंड्रॉयड चलता है, तो एंड्रॉयड LG ने तो नहीं बनाया ना, लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का जमीला रास्पबेरी पाई के जो डेवलपर कम्युनिटी थी उन्होंने सॉल्व कर दिया। मतलब अगर आप अभी रास्पबेरी पाई के में जाइएगा तो आपको लिनक्स का मिल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको ये एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े स्पेसिफिक है कि मतलब वेदर स्टेशन के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा जो सिर्फ वही करेगा। तो मतलब कचरा हटा दिया सॉफ्टवेयर में तो काफ़ी इफिशियंट, कम बिजली खाता है और काफ़ी बढ़िया से आपका काम होगा। तो और ये लोग दाम सस्ता रखे, मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्ट तो किए, जैसे आपका वन प्लस में तो आपको पता ही है स्टार्टिंग में तो आया था कि भाई 20,000 में ही बहुत चीज़ देंगे, अब तो 60,000 उसके भी फ़ोन लगने लग गए, मतलब 40-50 में आने लगा। तो मतलब दाम तो रख नहीं पाए जिस लेवल पर स्टार्ट किए थे, ये लोग रख लिया, मतलब $35 पे रोक दिया दाम और अभी तक 35 पे है और ये बहुत सक्सेसफुल है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि अरे अच्छा आज हम इस पर कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कल कंपनी खराब हो, नहीं, सक्सेसफुल ये लोग इतना हो गए कि डिमांड के ऊपर डिमांड बढ़े जा रहा है। मतलब अब तो रास्पबेरी पाई का सिर्फ कंप्यूट मॉड्यूल आता है, इसको कहते हैं कंप्यूट मॉड्यूल। ये मतलब इन्होंने क्या किया, बड़ा स्मार्ट आइडिया लिया कि जैसे वो छोटा था क्रेडिट कार्ड के साइज़ में था ही, तो इन्होंने बहुत लोग बोल रहे थे कि हम अपना बोर्ड बनाना चाहते हैं लेकिन आपका प्रोसेसर रैम ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, आप अपना बोर्ड बनाना चाहते हो तो कैसे दोनों चीज़ को जोड़ें? तो इन्होंने बोला कि भैया ठीक है, एक रैम स्टिक लिया जो DDR2 का लैपटॉप साइज़ का रैम होता है, उसी को लिया, ये उसी का पिन है, उसी में इन्होंने सब चीज़ बना दिया। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर के पास जब ये लोग गए कि हमको एक प्रिंटआउट बोर्ड चाहिए, तो उनको नया पोर्ट नहीं डिज़ाइन करना पड़ा कि इसको मतलब इसको इससे कैसे कनेक्ट करेंगे। तो पोर्ट के चलते इनका दाम कम हो गया और आप जैसे बोलिए कि आप इसमें आप प्रोग्रामिंग ये नहीं कर, मतलब इनपुट आउटपुट पिन नहीं है, लेकिन जैसे ये स्लाइस को उसका ज़रूरत नहीं है, स्लाइस को तो USB पोर्ट चाहिए, लेकिन ज़्यादा USB पोर्ट चाहिए, बोर्ड में तो सिर्फ 4 USB पोर्ट है, तो ये इससे ब्रेकआउट करके अपना पोर्ट बना लिए जितना पोर्ट चाहिए, और जो जो चीज़ नहीं चाहिए वो नहीं बनाए, जो चाहिए वो बनाए। और जो लोग इससे रोबोट बनाए हैं उसमें इसमें आप आराम से माइक्रोफोन और हेडफोन डाल दिए। तो बहुत बड़े स्तर पर ये एक रेवोल्यूशन बन गया, मतलब देखते देखते ये काफ़ी छा गया है। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग आज कर रहे हैं तो 99% चांस है कि आप ये जानते होंगे या देखे होंगे।
और इसी कम्युनिटी पावर के बारे में तो बात ही नहीं करने वाला। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो 99% चांस है कि आप टाइप जैसे कीजिएगा गूगल आपको आंसर खोज के दिखा देगा, क्योंकि इतने लाख करोड़ लोग इस पर कूद चुके हैं कि हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जा चुकी है। कि मतलब आप लिखिएगा कि अरे ये सेंसर इसके साथ नहीं काम कर रहा, आपको जैसे ही आप लिखिएगा गूगल खुद ही बता देगा, अरे 10 लोग बताए होंगे, अरे ये तिगड़म है, ये तिगड़म है, ये तिगड़म है। तो समझिए ये काफ़ी बड़ा हो गया है और दाम अभी भी कम है। तो इसको आप ऐसे एज ए औजार समझिए। आर्डिनो तो बहुत बढ़िया है जो काम वो करता है, लेकिन आर्डिनो के साथ ये आप समझ सकते हैं कि वो एक माइक्रो कंट्रोलर है, कंप्यूटर नहीं है, ये एक पूरा कंप्यूटर है। लोग इससे रोबोट बनाते हैं तो, और इससे सुपर कंप्यूटर भी बनाया जाता है। फिर आप बोलोगे यार इतना कम पावर का चीज़ से सुपर कंप्यूटर बना के क्या होगा? वो सुपर कंप्यूटर इसलिए नहीं बना रहे कि सुपर कंप्यूटिंग करें, वो कंप्यूटर इसलिए बना रहे कि जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में गए कि भैया मेरे को सुपर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर लिखना है, तो सुपर कंप्यूटर 10-12 प्रोसेसर लेके नहीं बनाया जाता ना। आजकल के सुपर कंप्यूटर में 10,000 प्रोसेसर तक आते हैं, उससे भी ज़्यादा आता है, कुछ कुछ तो 50,000 तक जा रहे हैं। तो उतने सारे प्रोसेसर को डेटा पैरालाइज करना कि मतलब जो भी प्रोसेसिंग है वो जाके पैरालाइज हो, वो करने के लिए आपको मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको उतने सारे कंप्यूटर कहाँ से मिलेगा? तो लोग रेसबेरी पाई खरीद के खूब सारे मतलब 600-700 रेसबेरी पाई जोड़ के सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं। मतलब ये कंप्यूटर उसके लिए नहीं है कि मतलब सुपर कंप्यूटर बना लिया एकदम भयानक काम करा, उसके लिए नहीं है, ये ट्रेनिंग देने के लिए बहुत अच्छा औजार बन गया कि मतलब एक्चुअली देखो कि आप ऐसे कोड लिखोगे तो ऐसे 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 करके ये फ़ायदा हो रहा है, लेकिन टाइम्स मतलब जो सिंक स्पीड है वो ख़राब हो जा रहा है, किसी में सिंक स्पीड अच्छा आ रहा है ख़राब हो रहा है, मतलब हज़ार झंझट होता है उसको। आपको एक्चुअल ट्रेनिंग के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप किताब में तो हज़ार चीज़ पढ़ सकते हैं, हज़ार को कोड भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जब तक कुछ बनाइएगा नहीं आपको पता नहीं है कि वो काम करेगा कि नहीं। तो रास्पबेरी पाई उसमें मतलब बहुत अच्छा है, और ये बनाया गया था बच्चों के लिए। आप ये समझिए कि आइडिया ये था कि बच्चे लोगों को अगर आप प्रोग्रामिंग सिखाना चाहते हैं, एक तरीका है उस पर मतलब जूता चप्पल लेके उनकी हाथ पैर तोड़ते रहिए कि सीखो स्कूल के एग्ज़ाम में, या दूसरा तरीका जो वेस्टर्न कल्चर समझ गया कि आप उनको एक औजार दे दीजिए कि इसमें ये करो तो इससे कुछ मिलेगा, तो कुछ मिलेगा। तो ऐसा होने लगा कि जैसे अगर आप कंप्यूटर में कोई कोड लिखते हैं आप घर का लाइट चालू बंद नहीं कर पाएंगे ना उससे, क्योंकि ऐसा किया जा सकता है, आप कंप्यूटर में बना सकते हैं, लेकिन वो ना कंप्यूटर बना है उस काम के लिए, ना ही मतलब उससे जो कनेक्शन इंटरफेस है वो है। रास्पबेरी पाई सब चीज़ एक सस्ते दाम में दे रखी है, अगर आप उड़ा भी दें तो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, 3,000 का ही नुकसान होगा, और उसमें आप आराम से कोड लिखिए कि भैया ये पिन पे वोल्टेज आएगा तो वो करो। आप ऐसा कर सकते हो कि लाइट कम बेसी हो रहा है तो वो आपका घर का लाइटिंग कंट्रोल कर रहा है, और ऐसा भी कर सकते हो कि अगर छांव हो गया, बादल होने लगा है तो दिन में वो लाइट नहीं चालू करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मतलब घड़ी के हिसाब से देख रहा है तो दिन है। तो अगर आप सिंपल इलेक्ट्रॉनिकली ऐसा बना देते तो प्रॉब्लम ये होता कि अगर बादल बहुत होने लगता है तो दिन में ही लाइट चालू कर देते, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस सब कारण से बहुत सारे चीज़ बनाए जा सकते हैं जो आप बच्चा बनाएगा, मतलब इससे रोबोट बना रहे हैं तो मतलब समझिए प्रोग्रामिंग क्या आसान है, कंप्यूटर में बैठ के कटर 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 कर रहे हैं, लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं, या एक्चुअली कुछ बना लीजिए, मतलब कुछ नहीं तो एक सिंपल एक रोबोट जो एक लाइन फॉलो करता है उसके लिए भी कोडिंग लिखी जाती है, वो सब बना लिया जा सकता है रास्पबेरी पाई से। सुपर कंप्यूटर तक लोग जा रहे हैं, और वेदर स्टेशन तो इसके लिए बहुत सक्सेसफुल हो गया है। मतलब अब तो मतलब पूरे पूरे मार्केट में किट आते हैं कि भैया वेदर स्टेशन बना लो, तो आप बोले वेदर स्टेशन का उतना ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है, बहुत सारा ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पर विंड फार्म बनाना चाहते हो, विंड फार्म पर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि, तो आपको उस जगह का डेटा चाहिए ना कि भाई वहाँ पे एक्चुअली कैसा है। सैटेलाइट आपको एक रफ आइडिया दे देगा, आप इसरो को फ़ोन किए भैया इसरो को हमको इस जगह का विंड का पैटर्न का इन्फॉर्मेशन, तो इसरो एक रफ आइडिया दे सकता है ना, वो थोड़े वहाँ जाके मतलब सैटेलाइट से तो एक रफ आइडिया मिलेगा, लेकिन आप एक्चुअली वहाँ रहेंगे कि सतह पे कैसा स्पीड है हवा का, सतह पे किस डायरेक्शन से हवा आता है, कितना स्टेबल है कितना अनस्टेबल है, तो ये सब जानने के लिए आपको तो वहाँ वेदर स्टेशन लाना पड़ा। और पहले के जो वेदर स्टेशन आते थे ख़राब नहीं थे किसी बारे में, लेकिन एक एक वेदर स्टेशन आता था 5 लाख 6 लाख 10 लाख, छोटा चीज़ है लेकिन 5-10 लाख का दाम है, और दाम इसलिए ज़्यादा नहीं था कि वो कंपनी लूट रही थी, दाम इसलिए ज़्यादा था कि वो ज़्यादा पीस नहीं बनाया। यहाँ पे ये यह हुआ कि रास्पबेरी पाई चूँकि करोड़ों में बनाया जाता है तो रास्पबेरी पाई का दाम कम है, और जो सेंसर होते हैं वो ज़्यादा महंगा होता नहीं है, तो दिमाग जो मास प्रोड्यूस किया गया सस्ता है उसको, और प्रोसेस सेंसर्स को जोड़ के इन्होंने वेदर स्टेशन बना दिया। तो आप ये आराम से कई सौ वेदर स्टेशन आप लगा के अच्छे से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कई सौ हेक्टेयर में, कि यहाँ इस पहाड़ पे हम लगाएंगे विंड मिल तो यहाँ पे सबसे बढ़िया हवा स्टेबल रहता है, यहाँ पे इतना टेम्परेचर है, यहाँ पे इतना उमस है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। प्लस ये पूरा कंप्यूटर होने के चलते ये आपको ना ही डेटा को तो आराम से लेके आपका गूगल डॉक्यूमेंट तक में डाल सकता है, और उसके बाद ईथरनेट का दिया हुआ है कि आप ईथरनेट से इसमें ये कीजिए कि ईथरनेट के बेसिस पे इससे आप पूरा डेटा कलेक्ट कीजिए कि कई सौ लगाएं तो ईथरनेट से ले लीजिए। फिर आप बोले नहीं यार थोड़ा ज़्यादा दूर है, उतना दूर तार नहीं बिछाना, वाईफाई है, वाईफाई छोड़ ब्लूटूथ भी है, और मॉड्यूल्स आते हैं जिसमें आप सिम कार्ड डाल के मतलब एक पूरा मोबाइल बना सकते हैं कि सब SMS के थ्रू डेटा डालते रहेगा,
तो आप आराम से एक जगह पे सेंट्रल स्टेशन पे बैठ के आराम से सब कलेक्ट कर सकते हैं डेटा। तो बहुत चीज किया जा सकता है इसके इस्तेमाल से। ऐसा मत समझिए कि बस एक चीज़ है जो लोग खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टार्ट वैसे हुआ लेकिन ये भयानक सक्सेसफुल हो गया। जैसे मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि आपका एसी कितना इफ़िशियंट है, तो उसके लिए आपको बहुत चीज़ नापना पड़ेगा। तो क्या ऐसे औजार आते हैं? हाँ, बस 50-60 लाख का आता है, क्योंकि मास प्रोडक्शन में नहीं है। आप रास्पबेरी पाई लीजिए, 25-26 डिग्री टेम्परेचर से लीजिए, आप बेयरली 10-12 हज़ार के अंदर हैं। आप आराम से 1000 जगह मतलब ये कंडेंसर का टेम्परेचर लीजिए, इनपुट का टेम्परेचर लीजिए, एक एम्बियंट टेम्परेचर लीजिए, इनडोर और आउटडोर का, आपको एकदम अच्छे से मिल जाएगा एक आइडिया कि क्या है, कितना स्पीड है। मतलब रात दोपहर 12 बजे बिजली ज़्यादा खाता है कि दोपहर 2 बजे, मतलब क्या है, किस टाइम इसका पीक रहता है। आप ये सब डेटा को आराम से ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और चूंकि रास्पबेरी पाई पूरा कंप्यूटर, आप उसको एसडी कार्ड में स्टोर भी कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू आप उसको दूसरे रास्पबेरी पाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कि मतलब 5-6 ठो एसी है आपके, मान लीजिए शॉपिंग मॉल में या ये सब में, तो सबका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको लगेगा कि अरे मेरा 4 एसी तो बड़ा बढ़िया चल रहा है, 5वां एसी नौटंकी कर रहा है, यानी उसका गैस कम हो गया है या मतलब कोई शॉर्ट सर्किट है। तो आप देख सकते हैं, आप इंतजार नहीं कीजिएगा जब तक लोग कंप्लेन करने लगे कि अरे भाई यहाँ बहुत गर्मी हो रहा है, तब तो आप समझ सकते हैं ये एक औजार की तरह है, और इसको सीरियसली लेना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो इससे बढ़िया तो कुछ आपको मैं औजार बता ही नहीं सकता। आपको अपने बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाना ये दे दीजिए, और कुछ करने बोलिए। ऐसा मत बोले कि बस उसमें कोड करो, बत्ती जला, मतलब ऐसे स्टार्ट कीजिए, गाड़ी छोड़ दीजिए। मन को जैसे आर्डिनो में शील्ड्स आते थे, इसमें आते हैं हैट, और उसमें बहुत सारे हैट हैं जिसमें आप 3D प्रिंटर बना सकते हैं, जैसे आप CNC मशीन बना सकते हैं, तो समझ लीजिए। और उसमें ये झंझट नहीं है कि आपको एक अलग से कंप्यूटर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद का एक कंप्यूटर है। तो ये काफी बड़ा क्रांति ले आया है हौले हौले से। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रास्पबेरी पाई पे। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं लगा है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और अगर आप फ्री हैं तो घंटी बजा लीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।